गुड मॉर्निंग गाइस, इस टाइम जो है मैं उठा हुआ हूँ और इस टाइम बज रहे हैं, आप देख सकते हो, 3:22 मॉर्निंग के 3:22 हो चुके हैं। इस टाइम मैं इस वजह से उठा हूँ क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान में रोज़ा रखना होता है, तो मैं भी रोज़ा रखता हूँ। इस वजह से सहरी करने के लिए उठे हैं और अब मैं जो है ब्रश वगैरह करूँगा, थोड़ा हल्का फुल्का जो खाना है खाऊँगा, उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगा। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर उसके बाद सो जाएंगे, फिर दिन में उठेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊँगा कि रमज़ान का क्या रूटीन होता है। ठीक है, तो व्लॉग के अंदर बने रहना। ठीक है, मैं थोड़ा जाके यार आँखें वगैरह धोऊँ क्योंकि आँखें खुल नहीं रही हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं सहरी कर रहा हूँ और जो हल्का फुल्का खाना होता है सहरी के अंदर हम खाते हैं। तो फ्रेंड्स सहरी हो चुकी है और अब जो है रोज़ा भी रख लिया गया है, नमाज भी पढ़ ली है और इस टाइम टाइम हो रहा है, आप देख सकते हो ये हो रहा है 4:48। ठीक है, अब बहुत तेज़ नींद आ रही है तो अब मैं सो जाता हूँ, मिलते हैं कल दोपहर में। ठीक है, ये देख रहा हूँ झोंके लग रहे हैं मुझे, नींद का टाइम होता है ये। चलिए मैं सो जाता हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग गाइस, सॉरी यार गुड आफ्टरनून, क्योंकि इस टाइम वक्त हो रहा है 12:30, 12:30 और अब उठा हूँ मैं और थोड़ा सा जो है अब देखते हैं, उठ के फ्रेश व्रेश होते हैं, ब्रश नहीं कर सकते क्योंकि रोज़े के अंदर आप लोग ब्रश नहीं कर सकते, उससे मुंह फ्रेश हो जाता है। तो अब जो इफ्तार होगा, जैसे कि आपको मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं बता देता हूँ, इफ्तार होगा सूरज ढलने के बाद, मतलब शाम को 7 बजे के आसपास रोज़ा खुलेगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा जो है जल्दी से उठ के फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ। सबके सब उठ चुके हैं, अरे ये सो रहा है अभी तो, असले 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 सब सुन रहा है, ड्रामाबाजी कर रहा है, जल्दी से उठ जाते हैं। ठीक है, फिर देखते क्या करना है, क्योंकि यार देखो आप लोगों को तो मालूम है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और बाहर कहीं जा नहीं सकते। देखते हैं अगर बाहर जाएंगे तो पुलिस के डंडे खा के वापस आएंगे, खैर ऐसा तो होगा नहीं, देखते हैं क्या चल रहा है बाहर क्या नहीं, क्योंकि मेरा टीवी में देखने का तो मूड है नहीं। और यार क्या किया जाए, एक हफ्ते का लॉकडाउन लग चुका है, सब घर में बोर हो रहे हैं। क्या सूजी मिल रही है बाहर? सूजी मिल रही है बाहर, आधा किलो 250 ग्राम। और कितने रुपए में मिल रही है? सिर में मिलती है, वो तो डंडे खा के। वाह जी वाह, आजकल के छोटे छोटे बच्चों को बता बाहर सूजी मिल रही है डंडे खा के, वो भी फ्री में। ठीक है, चलो हम बता दो आप लोगों को बस। तो गाइस जोहर का टाइम हो चुका है, भाई नमाज पढ़ रहे होंगे, आओ चलो मैं दिखाता हूँ भाई क्या कर रहे हैं। तो गाइज नमाज वगैरह पढ़ ली है, कुरान शरीफ वगैरह भी पढ़ लिया है और अब जो है थोड़ा सा काम है कर लेते हैं। ठीक है, बाहर की सफाई वगैरह करनी है। हाँ भाई क्या कर रहा है? बैठा हुआ मैं तो आराम से बैठा हुआ है। हाँ। काम वाम कर लिया कर? तो काम अभी है नहीं कुछ भाई। आ जा बेटा, तेरे को तो मैं काम बताता हूँ। वो देख इधर मैं दिखाता हूँ क्या काम है। ये कूलर खराब सा हो रहा है, इसे तो साले वो फेंकेंगे। ठीक है, बाद में कबाड़े वबाड़े में आएगा। तो यहाँ पर इतना सारा कबाड़ा है। ठीक है, इसे ऊपर करो। इसे बेचना है सारा। क्या बेचना है? ठीक है, एक काम कर, देखिए सारा का सारा पहले यहाँ से कूड़ा कबाड़ा है, इसके पन्नी इसके अंदर भर दे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सफाई करते हैं, ये भी ऊपर जाएगा छत पे। ठीक है, वैसे एक बात है, मौसम बड़ा रंगीन हो रहा है भाई साहब, जहाँ जहाँ तक देखो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। आज जो है ऐसा लग रहा है इंद्रधनुष से निकला हुआ यार, ये नहीं इंद्रधनुष नहीं है, वो पेच लड़ रहे हैं। चलो जी वापस आ गए, जल्दी से निकाल।
साकिब देख इसे थोड़ा सा आगे कर ले ठीक है। और ये बोतलें देखिए जो बेकार से हुई है ना तो किसी काम के है नहीं, हो जो भरी हुई है उसे जो यार अंदर की तरफ रखते हैं। मैं इसे जो है किचन में रख देता हूँ और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जितने भी चप्पल उप्पल पड़ी है ना उनके लिए मैं एक जो है वो लेकर के आऊँ। मैं दिखाता हूँ ये पैड, सॉरी क्या बोलते हैं साकिब से, क्या बोलते हैं इसे, भूल गया मैंने, पता नहीं क्या पार्टन बोलते हैं। हमारे जूता है नहीं ये बड़े क्या आ गए बड़े, वाह जी वाह, छोटा वाला भाई है वो रख के भाग गया मुझसे छोटा वाला, इससे मेरे जूता आ जाएंगे सारे जितने भी फैले पड़े हैं ना, मेरे जूता आधे इधर पड़े हैं आधे कहीं पड़े हैं आधे किचन में पड़े हैं, तो यार उसके लिए लेकर आया था मैं, पहले सफाई कर लेते हैं ठीक है। साकिब ये देखिए ढक्कन काम के नए क्या करेगा इनका, तो एक कट्टा उठा ले उसके अंदर सारी चीजें भर दे ठीक है, और जो बोतलें काम की नहीं है वो बाहर फेंक ठीक है उसके अंदर। तूने सारा देखो भाई ये मेरा खाना, ये अब घर वालों का और ये भाई आपका है खाना। अच्छा और नीचे वाला किसका है, और ये भी आप मेरे जूते, अच्छा तीन जोड़ी तो होगा और दो जोड़ी ऊपर रखे हैं, एक मेरे अंदर भी है और ये मेरे हैं। अच्छा ये भी तो मेरे थे, हाँ ये जो पहनता था ये नए वाले। अच्छा जी देख सही है यार, ये तो बढ़िया जगह बन गया और ये बढ़िया भी लग रहा, बंद करिए इसे लगिन था कि यहाँ पर यार जूते रखे हुए हैं, ये तो बढ़िया लग रहा है, फ्रिज लग रहा है, छोटा फ्रिज लग रहा है, ये बात तो सही कह रहा है। अबे ये लंबा होगा अभी थोड़ा और भाई। अच्छा और तू और कितना लंबा होगा देखियो, मैं तो अपने हाइट छोटे कर रहा हूँ, जिम करूंगा ना। अच्छा, अगले साल जिम करेगा अगले साल, इस साल क्यों नहीं, हफ्ते लॉकडाउन लगावा है ना। अच्छा अभी तो अगले साल बोल रहा था अच्छा ऐसे कह रहा था, अब क्या रह गया बाहर का भी, तूने बिल्कुल एकदम अच्छी जगह चक्कर दिया, सफाई कर दी है। देखो भाई अभी सैंडल जूते रखे हुए हैं, इनको रखूंगा जो पहनने वाले हमारे। अच्छा जो पहनने वाले मेरे हैं ये हैं, पापा के हैं ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने एकदम चमका दिया ठीक है, जो फालतू का सामान था फेंक दिया, सफाई कर दी, और बहुत ज़्यादा देख रहे हो मेरी हालत क्या हो गई, धूल मिट्टी सब लगी पड़ी है। ऐसे देखो मेरी टी शर्ट पहन के तो कैसी टेसी कर रहा है इसकी है भाई, गंदे तो है धुलने के बाद, वाह जी वाह, गंदी है तो कोई भी पहन लो है, मैं पहन सकता हूँ, अभी तू ही पहन सकता साले, बहुत मानूंगा। चलो देखते हैं यार अब क्या करना, सफाई तो हो गई, ऊपर का देख लें एक बार। हाँ चलो ऊपर चल के देखते हैं। तो अभी जो है अब हम आ चुके हैं छत, और ये क्या कर रहा है, शाहरुख खान का फोटो है बचपन का, ये शाहरुख खान का फोटो है, और ये कौन है, चाचा, ये हमारे चाचा है, चाचा बोलता अंकल, मेरे पापा के भाई हैं, चाचा है हमारे, और ये कौन है, ये पता नहीं कौन है, ये पता नहीं कौन है, ये बहुत पुरानी तस्वीर है, और ये हमारा जो है टाइम पीस था ठीक है, और ये जो है बहुत पुराना है, इसके कुछ टुकड़े बचे हुए हैं जिसके अवशेष हैं, बहुत मजबूत था वैसे, मेरे लगा भाई अभी पता नहीं क्या क्या है, देखो इस सारा यहाँ पर कबाड़ा हुआ पड़ा है, और यहाँ पर भाई सफाई करनी है सही करके, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा कबाड़ा हुआ पड़ा है ना, और सारा सारी सफाई करेगा ये, तो उसके बाद पतंग उड़ाएंगे ठीक है। और अंकल क्या कर रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, बीड़ी पी रहा हूँ, चलो ठीक है आप बीड़ी पियो, हम तो सफाई करने के लिए आए ठीक है, आप वीडियो मारे, वीडियो अपलोड होगी, हम तो सारे पतंग बाजी कर रहे हैं इधर, कोई गन्ने बांध रही है, कोई पतंग उड़ा रही है, लड़ा रही है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं अंकल, आप वीडियो मारो ये अपलोड होगी, अरे खूब बनाओ ठीक है। तो फ्रेंड्स एक और मजेदार बात बताऊं, आज का मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, और भाई क्या कर रहा है तू, ये पानी लेके क्या, मतलब पौधों में, मैं मुझे लगा लोटा लेके तू
बाथरूम जा रहा है, बाथरूम बाथरूम जा रहा है क्या? पानी है, बाथरूम जा रहा है, ये मिर्चा पौधा है, आती है मुझे तो लग नहीं रहा आती होंगी। ये फूल आ रहे हैं, कहाँ है देखो, ये रहे व्हाइट व्हाइट। अच्छा जी, मिर्चा आएगी देख ले। हाँ, उस साइड भी पौधे हैं। और तेरे लग गए तो मैं नहीं आएगा पक्का। हाँ, पतंग वतंग उड़ा लेगी, पतंग उड़ देगी। लेके आता हूँ भाई, अभी रुको। लेके आएगा, मुझे लगा लोटा लेके आ रहा है तू। लोटा खेतों में, खेतों में जा रहा था। तो भाई अभी जो है हमें जो है सामान लेने के लिए जाना, थोड़ा सा साड़ी वगैरह का, बाकी तो रखा हुआ है। तो साकिब चल रहा मेरे साथ? चलो। मास्क कहाँ है तेरा? ये रहा भाई, लॉकडाउन तो लगा हुआ, कैसे जाएंगे हम? छुपते छुपाते चल लेंगे भाई, पुलिस वाले मिलेगा डंडे बजाएंगे, पहले ही भग देंगे भाई, ऐसी बात नहीं है। बहुत बातचीत है बाबू हमारी। अच्छा, सही कह रहा है, कह रहा बहुत बातचीत है। चलो ये चीज चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, अगर पुलिस वाले दिखे तो भागते आ जाएंगे। वैसे यार खाने पीने की चीज़ों पर छूट होगी, बचते बचाते चलते हैं, डर तो लग ही रहा है। चलो बने रहो। तो फ्रेंड्स मैं बाहर आया था, बाहर मुझे लग रहा था कि यार सन्नाटा पड़ा होगा, लेकिन यार यहाँ सन्नाटा वगैरह तो है नहीं, बच्चे वगैरह भी खेल रहे हो। मार्केट में जो है ना अच्छी खासी भीड़ है, ऐसा नहीं कि लोग बाहर नहीं निकल रहे, बहुत ज़्यादा मतलब अवॉइड तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ऐसा कुछ खास डर लग नहीं है, और लग नहीं रहा कि पहले वाला लॉकडाउन है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ ज़रा और सामान वगैरह। मास्क खाए, ज़रा मास्क लगा ले, लगा रहा हूँ। तेरी से कहते हैं क्या, ज्यादा भीड़ नहीं हो रही? बहुत भीड़ हो रही है भाई, सामान तो खाओ भाई। चल जो लेना है वो सामान लेते हैं, ठीक है। तेरे को बड़ा पता है? अच्छा, तरबूज का कैसे पता लगता है कि मीठा है या फिर कैसा है? जिसकी डंडी पर है? जिसकी डंडी पतली होती है ना सूखी भी। अच्छा। वो मीठा होता है। अरे यार ये कैसा है? ये मोटा है, ये मीठा नहीं होगा। देख ले कैर पे किलो है, कैर पे किलो है, सही है। 25 भाई, 25 काट के दिखाओ, काट के दिखाओ भाई, तुलवा तो ले पहले, पैसे तो बता दे हम तुझे। हाँ ठीक है, दो ना, मीठा होगा ना, देखो भाई। यार 3 किलो, 3 किलो कितने काटू भाई? क्या 50 80 रुपये होगा भाई। ठीक है भैया, पूरा 80 लोग चले। तो हमें जो सामान लेना था वो सामान तो ले लिया, ठीक है। साकिब क्या क्या लिया तूने? तरबूज, आम की बोतल। अच्छा, और सेब नीचे देख के चलियो। और चीकू तो यार मिले नहीं, और भी चीज़ लेनी थी लेकिन वो चीज़ मिलनी। लेकिन जिस तरीके सोचा था ना कि लॉकडाउन के अंदर यार मतलब भीड़ नहीं होगी और बाहर आराम से आ जा सकते हो आप लोग, और यहाँ पर बच्चे बड़ी बदतमीजी के साथ खेल रहे हैं अभी मार देते हैं यार। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हैं, अब क्या कर सकते हैं बच्चों का। चलो फिर जल्दी चलते हैं यार, नमाज का टाइम हो चुका है असर का। तो अब जो है इफ्तार होने वाला है, बस कुछ ही मिनट रह गए हैं, देखते हैं इफ्तारी में क्या क्या है। चलो चल के देखते हैं। हाँ भाई, क्या क्या है इफ्तारी में? इफ्तारी में बहुत कुछ है, चलो टैंक बना रही हूँ। ये तरबूज है, और ये डेट खजूर है, और ये क्या बोलते थे चाट, और ये शरबत बन रहा है, ठीक है। और मेरे लिए वो कहाँ है दूध का? जी, दूध वाला भी ये रहा, दूध वाला ये रहा। चलो जी, चलो जी। फ्रेंड्स अब जो है रोज़ा खुल रहे हैं, रोज़ा खुल चुका है, और इसे बोलते हैं डेट, और हिंदी में बोले तो खजूर। ये खजूर से रोज़ा खोलते हैं, इससे अच्छा माना जाता है। तो आज मैंने पूरी डे लाइफ का रूटीन बताया, किस तरीके से रोज़ा रखते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। मैं खा पी लेता हूँ, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सुबह से यार फास्ट था मेरा, रोज़ा इसे बोलते हैं, ठीक है, मिलते हैं। हाँ भाई, क्या खा रहा है? तरबूज का टुकड़ा। तरबूज का टुकड़ा, पूरा तरबूज खा लेता क्या? मैं बस कर, और लोग भी खा रहे हैं यहाँ पर, सब कुछ तू ही खाएगा, लाल हो गया तरबूज खा के, देखियो तू भी लाल हो गया, कमरा भी लाल हो गया। ग्रीन है, ग्रीन है, कमरा भी ग्रीन है, पीछे लाल है, ध्यान से देख, आपके पीछे। अरे वो तो मेरे पीछे है, अपने पीछे की बात करना। चल तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हमने जो है
अफ्तारी कर ली और जो है नमाज पढ़ के भी आ गए और जो है अभिषेक का टाइम हो रहा है तो अभिषेक की नमाज के लिए। आई होप कि आपको पूरा प्रोसीजर पता लग गया होगा। जो लोग पहले से जानते हैं मुस्लिम हैं वो तो जानते होंगे कि रोज़ा क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, रोज़ा जो है एक तरीके से फास्ट होता है, ठीक है। सूरज निकलने से सरल भाषा में बताता हूँ आप लोगों को, सूरज निकलने से पहले जो है हम थोड़ा बहुत जो कुछ खाते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 3-4 बजे करीब रात में, ठीक है, और फिर सूरज ढलने के बाद, ठीक है, 7 बजे करीब जो है रोज़ा इफ्तार करते हैं। उसके बीच में ना कुछ खाते ना कुछ पीते और जो है मतलब जो नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा होगा, ठीक है, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को क्या करना है साकिब, लाइक कर देना, शेयर कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बता देना आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग कैसी लग रही है। और तब तक जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।